इंदौर विकास प्राधिकरण पर किसानों ने हल्ला बोला। आईडीए की स्कीम नंबर 165 के मामले को लेकर किसान आईडीए के ऑफिस में ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। इंदौर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन करने पहुंच गए। हाथों में तख्तियां बैनर लिए किसानों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल राऊ स्थित स्कीम नंबर 165 की जमीन के मामले में किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में किसानों ने हल्ला बोला। दरअसल पिछले 30 सालों से स्कीम नंबर 165 की करीब 1000 एकड़ जमीन आईडीए के कब्जे में है, जिस पर अभी तक विकास नहीं किया गया और करीब 450 किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिसे लेकर किसानों ने आईडीए अधिकारी को ज्ञापन दिया। किसानों ने आईडीए पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमीन को मुक्त करने की मांग की। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में भूख हड़ताल होगी और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इंदौर विकास प्राधिकरण ने सन 1986 से 119 नंबर स्कीम बनाई थी, उसके पश्चात वो स्कीम विलुप्त होने तक किसानों को किसी तरह की कोई ना पर वहाँ स्थानीय जगह पर विकास हुआ। उसके बाद जब स्कीम समाप्त होने की स्टेज पर आ गई तो इन्होंने नई स्कीम नंबर 162 घोषित कर दी। इंदौर विकास प्राधिकरण किसानों के साथ 30 साल से ऐसा का ऐसा बर्ताव कर रहा है, ना किसी तरह के निर्णय पे पहुंच रहा है, ना उसका विकास कर रहा है, और किसान अपनी भूमि का होने पौने दाम पर किसान को मजबूरी में शोषण होते होते किसान अपनी जमीन को बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। किसान का परिवार उसका पालन पोषण व्यवस्थित नहीं हो रहा है। हम किसान यहाँ इंदौर विकास प्राधिकरण से मांग करने आए हैं कि या तो हमारी स्कीम को, आपके पास दो विकल्प है, या तो हमारी स्कीम को आप अधिग्रहण करके हमारा मुआवजा दें या स्कीम को छोड़ें। तीसरा विकल्प इनके पास कोई है नहीं और दोनों विकल्प के ऊपर ये कोई निर्णय नहीं ले रहे। मेरी हमारी इन लोगों हमारे राव के कई लोगों के साथ सीएम साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हुई। सीएम साहब ने बोला हम इसका तुरंत निर्णय लेंगे, परंतु आज तक वापस 3 महीना हो गए, आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। इसीलिए हम आज हमारा ये आंदोलन यहाँ पर करने आए और ये बताने आए कि अगर ये नहीं करा तो आगे जाके और ज्यादा उग्र आंदोलन होगा, उसके लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। 450 किसान प्रभावित है, करीब 1000 एकड़ जमीन इसके अंदर पूरी इस स्कीम के तहत है। अगर ये इस स्कीम को यहाँ ड्राफ्ट नहीं करते हैं तो आगामी 8 दिनों के अंदर हम सब भूख हड़ताल पर या तो कलेक्टर ऑफिस या आईडीए के सामने बैठेंगे। वहीं किसानों की मांग पर आईडीए अधिकारी ने कहा कि किसानों से ज्ञापन ले लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि योजना के संबंध में शासन को विश्लेषण भेजा गया है, इस संबंध में शासन को निर्णय लेना है। जो नए अधिनियम के अनुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इस बात को लेके वो आक्रोशित थे, उनका ज्ञापन ले लिया गया है। योजना के संबंध में प्राधिकरण से एक विश्लेषण मांगा था सरकार ने कि योजना फिजिबल है कि नहीं, तो वो सरकार को भेज चुके हैं, 2 माह पहले भेज चुके हैं। तो शासन को इस संबंध में निर्णय, योजना समाप्त करने के संबंध में शासन को निर्णय लेना है। तो जैसे ही निर्णय आएगा इनको सूचित किया जाएगा। यद्यपि प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालिका अधिकारी से मिलना चाह रहा है, तो आगामी 2-4 दिन में जब वो उपलब्ध रहेंगे यहाँ ऑफिस में तो उनको सूचना करके बुला लिया जाएगा। कुल मिलाकर किसानों ने वादा खिलाफी को लेकर आईडीए पर जमकर आक्रोश दिखाया और कड़ी चेतावनी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।